दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा परियोजना की सफलता को देखते हुए साल 2020 से बहराइच के कदरनिया घाट और महाराजगंज के सोहागी बरवा वन जीव क्षेत्र में भी गैंडा पुनर्वास केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव बनाकर वन विभाग ने सरकार को भेज भी दिया था। हालिया जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से यहां गैंडा अभयारण्य के लिए जरूरी ढांचा खड़ा करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यहां अभी जरूरी संसाधनों की कमी बताई गई है, जिसके मद्देनजर यहां वाहन, वाच टावर, पेट्रोलिंग कैंप और वन सुरक्षा कर्मी की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में गैंडे की संख्या के बारे में खुलासा करते हुए बताया गया है कि यहां के रिकॉर्ड्स में भले ही गैंडों की संख्या 3 दर्ज है, लेकिन नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से आने वाले और यहां स्थायी तौर पर प्रवास करने वाले गैंडों की संख्या 5 से ज्यादा है। कुल मिलाकर अब वो दिन दूर नहीं है जब कतरनिया जंगल आने वाले सैलानी अभयारण्य में गैंडों का भी दीदार कर सकेंगे। बीते दिनों कतरनिया घाट के वन जीव अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां गैंडों का कुनबा बढ़ रहा है। नेपाल के रॉयल बर्दिया नेशनल पार्क से आए गैंडों की यहां की आबो हवा रास आ रही है। इस प्रवास का बड़ा कारण भोजन और पानी की तलाश को बताया जा रहा है। दरअसल कौड़ियाल नेपाल की भादा यानी सरयू नदी से घिरा है, इसलिए इस एरिया में जल से भरपूर दलदली भूमि बड़ी मात्रा में है, साथ ही लंबी घासों व नरकुल की भी बाहुल्यता है। यही कारण है कि गैंडों का यहाँ का वातावरण काफी रास आ रहा है, जिसके चलते कौड़ियाला बीट के जंगल समेत घाट के कई एरिया यहाँ आने वाले गैंडों का पसंदीदा स्थल बन रहा है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और WWF की स्टडी के मुताबिक भी ये क्षेत्र गैंडों के लिए मुफीद है। इन सब के मद्देनजर यहाँ गैंडा पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की योजना है। यहाँ इसके संरक्षण के लिए प्राकृतवास चिन्हित कर उन क्षेत्रों की घेराबंदी की जाएगी, जिसके बाद यहाँ दूसरे स्थानों से गैंडे लाकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। दरअसल भारत में 1850 तक बंगाल और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते थे, इसके बाद ये केवल असम तक ही सीमित रह गए। इस कमी को ध्यान में रखते हुए साल 1984 में दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जहां असम से 5 गैंडे दुधवा लाए गए थे। साल 1985 में नेपाल से 4 और मादा गैंडे लाए गए थे। इसके बाद साल 2018 में यहां हुई DNA आधारित जनगणना में 38 गैंडे मिले थे। फिलहाल इनकी संख्या 42 के करीब बताई जा रही है। इस सफलता को देखते हुए प्रदेश में कतरनिया घाट व सोहागी बरवा में भी इनका पुनर्वास केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय गैंडा यानी एक सिंह वाला गैंडा विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। इसकी औसत लंबाई 12 फीट और ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। मादा गैंडे का वजन 1.5 टन व नर गैंडे का वजन लगभग 2 टन के आसपास होता है। जन्म के समय गैंडे के बच्चे का सिंह नहीं होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है सिंह भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गैंडे की औसत आयु लगभग 100 साल होती है। ये शाकाहारी जीव होते हैं। आवासीय क्षेत्र के घट जाने से ये संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते इन्हें रेड डाटा बुक की वनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।